सो यस जी, बातें बातें साइड में, आज मुझे मेरी मम्मा ने दिया है काम। तो मम्मा ने पकड़ा दी समोसे और कहा कि जाके इनको फ्राई करो, और मैंने इनको फ्राई किया तो ये ज़रा थोड़े से डार्क ब्राउन हो गए, लेकिन मेरी मम्मा को समझ में नहीं आ रहा, वो कह रही हैं जले हुए। गाइज नाउ टेल मी कि ये जले हुए हैं या डार्क ब्राउन है। और मेरी मम्मा बस ऐसे ही बोलती रहती हैं कि मुझे कोई काम नहीं आता, काम करने पर आओ ना तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जैसे आज मैंने इनको समोसे फ्राई करके दिखाई दिए। सो गाइज मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने आखिर को समोसे में ऐसा क्या किया था। तो मम्मा ने समोसे फ्राई करवाने के बाद कहा कि तुम हट जाओ, मैं बाकी अपना काम खुद ही कर लूँगी, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, नथिंग टू बी लेट। तो फिर यस, तो यहाँ पे चल रहा है इफ्तारी का टाइम, और पूरा दस्तरखान लगाने के बाद हम बैठ गए इफ्तारी करने, अपनी दुआ पढ़ने। एंड गाइज टेल मी कि इफ्तारी के टाइम आप सबसे पहले दुआ क्या मांगते हैं? अब किसी ने ये मैसेज नहीं करना कि दुआएँ बताई नहीं जाती, ऐसा कुछ सीन नहीं होता ना। सो यस, यहाँ इफ्तारी करने के बाद मम्मा ने पकड़ा दी एक लिस्ट और कहा कि चलो ग्रॉसरी करने जाओ। तो हम लोग इफ्तारी करके चले ग्रॉसरी करने, और यहाँ पे हमने पहले तो लड़ाई की शीर खोरमा कहा है, क्योंकि ईद आने वाली है और शीर खोरमा ना हो तो दैट्स नॉट राइट। सो यस, यहाँ पे मैंने फटा करके ले दिया शीर खोरमा का डब्बा लिया, और वो ऐसा विलिंग मारता वो पीछे गया, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, मेरा भाई खुद उठा के लाएगा। उसने ला के बकेट में डाला, देन और बाकी ग्रॉसरी करने लग गए, और फिर हम लोग चले गए अपने काम के ऊपर। तो यहाँ पे तो पहले हम लोगों ने देखना चाहा कि नूडल्स का कौन सा पैकेट उठाया जाए, देन फिर आपकी बहन पूरे मार्ट का टूर करते हुए इधर उधर घूमते घूमते फिर पहुँच गई अपने मेन पॉइंट पे। एंड दी मेन पॉइंट इज दिस, जस्ट यहाँ पे जाके कुछ समझ में नहीं आता कौन सी कंपनी की चॉकलेट उठाने का सीन है। जो भी है सीन तो ऑन है। तो यहाँ पे हमने आधा एक घंटा लगाया यहाँ पे अपना फेवरेटिज्म चूज़ करने के लिए, और फाइनली यहाँ पे जो कुछ भी समझ में आया उठा लिया। लेकिन उठाने से पहले पीछे वाले स्टोर से मेरे भाई की आवाज़ है कि पीछे आओ, तो मैं पीछे गई। यहाँ पे फिर हम लोगों ने बिस्किट के लिए पड्डा किया कि कौन सा बिस्किट की चॉइस होनी चाहिए। देन फिर हमेशा की तरह मेरा भाई जीता, उसने उठाए अपने पसंद के बिस्किट। सो यस जी, इसी तरह हमारी शॉपिंग तो ये कम्प्लीट। अब फिर ईद तो करीब थी और ईद पे मेहमानों को भी आना था, तो ईद के लिए हम लोगों ने उठा ली कोल्ड ड्रिंक्स, और यहाँ पे ब्लिंक का टाइम हुआ। एंड ब्लिंक करते हुए सबसे ज़्यादा चीज़ें तो हमारी दिख रही थी। चलो कोई नहीं गाइस, हम भी तो बच्चे ही हैं। सो यस, यही था मेरा आज तक का व्लॉग। होप यू एंजॉय अ लॉट। अगले व्लॉग के लिए बाय बाय।